अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट को देखने वाले हैं। जी हां, आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2024 तक, मतलब ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट थी, और 25 अक्टूबर अगर अभी तक आपने फाइनल प्रिंट नहीं निकाला है तो इसको निकाल लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 25 के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपका फॉर्म भर गया, आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाली पीडीएफ दोस्तों देखिए लगेगी, ये एडमिशन के समय सभी बच्चों के पास होना अनिवार्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्या होता है कि 25 अक्टूबर के बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल पाएंगे, तो फिलहाल लास्ट डेट है, ये गलती मत करिएगा। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया है, कंप्लीट फॉर्म हो गया, लेकिन इसको डाउनलोड नहीं किया, या डाउनलोड किया तो वो खो गया है। तो अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में तो सम्मिलित होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। काफ़ी बार बाद में वेबसाइट नहीं चलती, जिस वजह से बहुत से बच्चे इसको बाद में प्रिंट नहीं कर पाते, तो इसको रख लीजिएगा। एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहे हैं, बाद में पछताना ना पड़े। आप लोग के हर एक कमेंट का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे, और आप लोग इस वीडियो में भी ढेर सारे कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने अपना प्यार दिखाया, आपका दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो अब देखिए सर, हरियाणा से डीएलएड से आप एडमिशन करवा सकते हैं, हरियाणा डीएलएड से। ठीक है, यहाँ पर बच्चों का कमेंट आ रहा, तुम बिहार से हो क्या? देखिए, अगर आप यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए। फिलहाल अभी हरियाणा डीएलएड का हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है सर, बीएड की टीसी लग जाएगी ग्रेजुएशन के बाद, बीएड क्या है? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, अभी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जो ये टीसी वाला प्रोसेस है, ये एकदम लास्ट में आता है। अभी आप लोग टेंशन लेना है तो काउंसलिंग के लीजिए। सर, अदर स्टेट का नंबर आएगा भी? जी हाँ बिल्कुल, आपका नंबर आएगा। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि 3,50,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कम्प्लीटेड, 2,33,000 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, मतलब 1,00,000 ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया, ये बात तो एकदम क्लियर हो गई। तो सिंपल सी बात है, 1,00,000 बच्चों को कोई ना कोई सीट्स कोई भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात और आपको बता दें, हर एक ज़िले में उतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होती, जैसे गाजीपुर में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। अब गाजीपुर में हो सकता है उतने बच्चे एडमिशन ना लें, तो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे या तो गाजीपुर आए या बहुत बच्चे नहीं आते, तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। सर, काउंसलिंग के टाइम कॉलेज चॉइस में 5,000 देना है, लेकिन अगर डायट ना मिले तो उसी 5,000 फीस में प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको डायट नहीं मिलता, तो उसके बाद उसी में सेकेंड काउंसलिंग में आप प्राइवेट का नाम दीजिएगा, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। सर, बीए की थर्ड के रिजल्ट नहीं आए तो हो जाएगा एडमिशन? देखिए, अगर आपका बीए का रिजल्ट ही नहीं आया तो आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते। ठीक है, 230 ओबीसी से वो डायट मिल जाएगा। जी हाँ, चांस बनेगा लेकिन थोड़ा कम है। हेलो सर, आप बताइए कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ पर बनेगा प्लीज। ठीक है, अगर ये नहीं आप बनवा पा रहे, साइबर कैफे के माध्यम से बनेगा, लेकिन अभी इसके लिए परेशान मत होइए, फिलहाल अभी आपको कॉलेज मिल जाने दीजिए। सर, कास्ट सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है? देखिए, याद रखिए, कभी भी कहीं पर भी एडमिशन लीजिएगा या कोई बड़ा फॉर्म भरिएगा तो सारे डॉक्यूमेंट 6 महीने के अंदर के रहेंगे तो बेहतर है। 100-200 का डॉक्यूमेंट्स आपका टोटल 200 में बन जाता है, तो इतने के लिए आप लोग रिस्क मत लीजिएगा कभी। सर, 236 है ओबीसी से? जी हाँ, चांस पूरा रहेगा। सर, मेरा 184 नंबर है, आपको प्राइवेट ही मिल सकता है। सर, 22 को फॉर्म ऑनलाइन कर दिए, अब क्या करना होगा? अब फिलहाल आप स्टेट रैंक का वेट करिए। जी हाँ, स्टेट रैंक हो सकता है कि 29 अक्टूबर के आसपास की डेट मिल जाए। इधर दीपावली का पर्व आ रहा है, हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा डीले हो, नहीं तो सब कुछ सही रहा तो 29 अक्टूबर के पास हम देख सकते हैं। सर, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा? जी हाँ, जब 12 दिसंबर से आपका सेशन स्टार्ट होने की बात रखी गई है, अगर 12 से ही सेशन स्टार्ट होता तो इसके 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा। ठीक है, तो उधर जून तक मान के चलिएगा आपका एग्जाम जाएगा। सर, डीएलएड प्राइवेट कॉलेज में हम कब तक एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ, देखिए, डायट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया एक साथ शुरू होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि प्राइवेट में एडमिशन बाद में होगा। सर, मेरा 200% बनना है, क्या डायट मिलेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है सर, 221 ओबीसी से मुश्किल रहेगा। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन कमेंट? सर, मैं ओबीसी से हूँ, बीए में मेरा 46 है, क्या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? जी हाँ, मिल जाना चाहिए। सर, क्या प्राइवेट में मेरिट के आधार पर होगा? बिल्कुल यस।
कहाँ एडमिशन होगा कैसे पता चलेगा? जब आपकी स्टेट रैंक आएगी उसके बाद आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, और जब चॉइस फिलिंग होती है ना तो चॉइस फिलिंग का एक रिजल्ट आता है, तो उस जगह आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। सर मेरा 78.33 है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? देखिए टोटल नंबर से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट डिसाइड होगा। प्लीज सर रिप्लाई। जी हाँ सर, मैं SC से हूँ, 234 नंबर, बहुत आराम से डेट कॉलेज मिलेगा गुड़िया जी, आपको तैयार रहिए। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा प्लीज, जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? जी हाँ देखिए बच्चे कितना क्लियर कमेंट करते हैं, सही कमेंट है। मेरा 191 OBC से हूँ, महाराजगंज में एडमिशन हो जाएगा। सर आप मेरे कमेंट का आंसर नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश होती है कि हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर किया जाए। तो दोस्तों अगला कमेंट क्या रहा है कि मैं तो फॉर्म भर दी पर ऑनलाइन, ठीक है कमेंट के बारे में कुछ नहीं पता ही नहीं था हमको, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा? तो सरकारी कॉलेज के लिए स्टेट रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेरिट के आधार पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं क्या सर प्लीज़ बताइए, क्या ही बात है, कितने खुश हैं। सर मेरे DLED में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 700 फीस भी जमा है, अब कॉलेज फिलिंग कब होगा? उसके पहले आपको स्टेट रैंक देखना पड़ेगा, ठीक है। अदर स्टेट बच्चों को बाद में दिक्कत तो नहीं होगा DLED करने पर? बस रिप्लाई, क्या ही दिक्कत होना है, आपको DLED का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस कोई वैकेंसी आएगी बस वहाँ यही पूछा जाता है कि आपका DLED हुआ है कि नहीं। सर काउंसलिंग के टाइम TC चाहिए? नहीं, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, जैसे अभी आपने फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे भरा है ना वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, खाली लास्ट में आपको जब DV में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तब। सर फॉर्म रिजेक्शन हो गया है ये कब तक पता चलेगा? देखिए अभी जब स्टेट रैंक आएगी उसी समय आपको सब क्लियर हो जाएगा कितने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। 207 नंबर है ST कैटेगरी से, जी आपको डायट का चांस बन सकता है। UP DLED में बिहार वालों को स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं? देखिए एक बात याद रखिएगा, स्कॉलरशिप को लेकर UP के ही बच्चों का कंफर्म नहीं रहेगा कि इन बच्चों का स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं, ठीक है। स्कॉलरशिप लेकर को लेकर कोई गारंटी कभी नहीं होती, नहीं तो जो भी कॉलेज में 100 सीट्स होती है ना किसी भी प्राइवेट या सरकारी में, तो भैया हर कॉलेज वाले सबके ऐसे ही एडमिशन ले ले फ्री में कि जब उनको लग जाए कि स्कॉलरशिप आई जाएगी तो क्या ही दिक्कत है। तो UP का डोमिसाइल होना मैंडेटरी होता है, ठीक है देखिएगा। सर मैं OBC से 232% डायरेक्ट मिल जाएगा क्या? जी हाँ चांस बनेगा। सर हम पास के प्राइवेट कॉलेज गए थे बात करने के लिए, चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप कॉलेज गए, उन्होंने 2 साल का टोटल खर्चा 1,13,000 बताया था, उनकी बातों से लग रहा था कि वो और भी लेंगे और रेगुलर करने को कह रहे थे, रेगुलर वैसे भी नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, हमें फॉर्म्स डाल रखे हैं, हमारा UPP में भी अच्छे नंबर्स हैं, इलाहाबाद जूनियर असिस्टेंट में डाला था 5,512 में हमको एग्जाम देना है को मिलेगा, ठीक है तैयारी कर रहे हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा हमको, इस बार DLED में एडमिशन लेना है, 2023 में हमारा ग्रेजुएशन हुआ था, समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ सर टेल मी, हमें जॉब जल्दी चाहिए घर की कंडीशन के हिसाब से। देखिए आपने अपने घर के पास के एक प्राइवेट कॉलेज में बात की, आप कम से कम 5 से 6 और प्राइवेट कॉलेज में बात करिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा और आपको कम से कम पैसे में कॉलेज भी मिलेंगे। सर जो रजिस्ट्रेशन में फीस लगा था वही ना जमा करना था, बार बार आप पेमेंट की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ना? जी हाँ जो भी फॉर्म भरते समय आपने पैसा दे दिया वो तो ठीक है, लेकिन जब स्टेट रैंक आएगी जब आप लोग काउंसलिंग करेंगे तो 5,000 और तैयार रखिएगा और 5,000 और टोटल 10,000 रुपये जी, और कोई फीस नहीं लगती, ठीक है काउंसलिंग के टाइम 5,000 ठीक है। सर मेरा 220 नंबर है, बहुत मुश्किल लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज, इस बार कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूँगी तो 2025 में कहीं और एडमिशन ले सकती हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है 2 साल के बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सोचना। दिस इज फेक न्यूज, रजिस्ट्रेशन डेट फेक, ठीक है। सर मेरा 228 SC कैटेगरी, जी हाँ चांस बनेगा। सर अदर स्टेट का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? देखिए भाई सिंपल सी बात है, चाहे अदर स्टेट क्यों चाहे UP क्यों, सबसे पहले आपका लगेगा अलॉटमेंट लेटर जो कि 10,000 पेमेंट पर मिलेगा, दूसरा आपने फॉर्म जो भरा था उसका PDF का प्रिंट आउट, तीसरे नंबर पर आपका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ठीक है चौथे नंबर पर आपका 12वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, पांचवें नंबर पर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस प्रोविजनल, छठे नंबर पर आपका जाति प्रमाण पत्र, सातवें नंबर पर निवास लगेगा अगर आप बिहार अदर स्टेट के हैं तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी, आठवें नंबर पर आपका 1 लगेगा TC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 9वें नंबर पर आपका मान के चलिए ठीक है आधार कार्ड लग जाएगा, 10वें नंबर पर शपथ पत्र लगेगा, 11 नंबर पर फॉर्म भरते समय जो भी आपने ID दिया हो, ठीक है। सर आप हरियाणा DLED एडमिशन? नहीं नहीं सर मैंने BEd 1 साल तक की फिर छोड़ दी, स्कॉलरशिप मिलेगा क्या?
इसका नहीं बता सकते हैं सर, 246 नंबर पर डेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। बड़ी तिथि में डीएलएड प्रवेश के लिए बढ़ गए 40,000 रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों देख सकते हैं कि डेट बढ़ाने से 40,000 बच्चे और रजिस्ट्रेशन करा लिए। और आपको बता दें, अगर डेट एक बार फिर और बढ़ती है, यकीन मानिए 10-20,000-30,000 बच्चे और फिर से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 25 अक्टूबर एकदम लास्ट डेट है। इसके बाद कोई भी बच्चा अपना फॉर्म प्रिंट एप्लीकेशन ये वाला नहीं हो पाएगा, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके भी यहाँ पर डेट रखी गई है। तो सभी बच्चे जो 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, ये वीडियो हर एक बच्चे तक जानी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसको बढ़िया से कलर में प्रिंट करके रखे रहिएगा, क्योंकि जब एडमिशन के टाइम आप जाएंगे तो कॉलेज वाले इसी से आपका मिलान करेंगे। ये दोस्तों जब आप लिखे रहेंगे हाई स्कूल यूपी बोर्ड से, अच्छा 2019 में पास हुए, मार्कशीट नंबर ये, रोल नंबर ये, टोटल नंबर, यही सब दोस्तों मिलान होता है, यही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटर का देखा जाएगा, ग्रेजुएशन का देखा जाएगा, ठीक है। तो मेरिट के बेस पर आपका रिजल्ट आएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और स्टेट रैंक अब किसी भी समय आपके सामने हो सकती है, डायरेक्ट एडमिशन एकदम लास्ट में होता है। फॉर्म में गलती हो गई है तो क्या डेट आएगी कोई, यूपी करेक्शन डेट, ठीक है। बहुत से बच्चे यूपी डीएलएड फॉर्म करेक्शन डेट सर्च कर रहे हैं, ये नहीं आने वाली है। 12वीं पास छात्रों के साथ हम कह सकते हैं धोखा हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।